अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब लोगों के। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज लकी वन मॉल की वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं लकी वन मॉल जाती रहती हूँ, लेकिन ये वीडियो स्पेशली वहाँ की $1 शॉप से रिलेटेड है। $1 शॉप जो है काफ़ी मॉल्स में है मौजूद। तारिक रोड पर भी है ये शॉप, और जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी उस टाइम पर $1.160 में आपको हर चीज़ मिल रही थी, लेकिन इस वक्त $1 जो है 170 इक्वल है, तो हर चीज़ 170 की ही मिल रही है। और काफ़ी अच्छी इन्होंने शॉप बनाई थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हैं। प्यारे प्यारे कलरफुल से ये जो वीडियो के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लावर्स हैं, ये किचन टॉवल्स हैं, और इस तरह की ज्वेलरी भी यहाँ पर $1 में अवेलेबल है। पहले मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ वीडियो में। और ये बहुत बड़ी शॉप नहीं थी, देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी होगी अंदर जाएंगे तो, लेकिन ये थोड़ी छोटी ही है। यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ वगैरह कुछ रखे हुए थे, स्टेशनरी के आइटम्स थे, बच्चों की स्टेशनरी आइटम्स हैं यहाँ पर, पेंटिंग्स कलर्स वगैरह करने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और दूसरा इस साइड पर हमारे पास है पेंसिल बॉक्सेस, और ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों के खेलने के लिए, और जो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट्स में वो वाली चीज़ें भी यहाँ पर 170 में ही है। ये किचन टॉवल्स हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी ये किचन के जो टॉवल्स हैं ये थे यहाँ पर, लेकिन ये पूरा पैकेट आपको मिलेगा 5-6 इसमें थे और 170 रुपीज़ के। यहाँ पे ज्वेलरी थी, ज्वेलरी में कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी जो कि हाँ $1 में अच्छी प्राइस पे लग रहे थे। बाकी कुछ जो थी वो मिली जुली चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, और कुछ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कुछ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कुछ लोकल मार्केट में और भी सस्ते आपको मिल जाएंगे, जिस तरह ये पर्स आई थिंक 100 रुपये का कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पर यहाँ 170 का था। एयरिंग्स अच्छे कुछ प्यारे से यहाँ पर मौजूद थे जो कि 170 में बहुत अच्छे लगे हुए थे। अच्छा, $1 शॉप में ना जो मुझे लग रहा था कि बच्चों के आइटम उन्होंने बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए शायद रखे हुए होंगे कुछ चीज़ें। क्वालिटी भी बस सही थी, मतलब कोई इतनी ख़ास नहीं थी। बच्चों को अगर आप लेके जाएंगे ना तो बच्चों ने आपका सही का खर्चा करवा देना है। ये जो है ना ये यहाँ पर मिल रहा था 170 रुपीज़ का, और जबकि ये नॉर्मल बाज़ारों में थोड़ा कम प्राइस में मिलता है। अच्छा, ये फ्लावर्स मुझे बड़े पसंद आ रहे थे, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, इसीलिए इन्होंने ये एंट्रेंस भी रखा है। कलरफुल थे, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे ये फ्लावर्स। और आजकल तो ये जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं और ब्लॉगिंग करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, उसमें ये साइड पे आप रखें कलरफुल, तो पिक्चर्स में भी जान आ जाती है और वीडियोस में भी बड़ा अच्छा लगता है। अब तो ये ट्रेंड बन गया है, और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। उस हिसाब से देखा जाए तो बंदा 5-6 ले ले और अपनी वीडियोज़ में रख ले डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इनसे। अब यहाँ से थोड़ा मैं आगे आ गया, नीचे जो बास्केट्स रखी हुई हैं, ये बास्केट 170 रुपीज़ की एक है, जिसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह धोते हैं। ये थोड़ा मुझे लग रहा था कि प्राइस के हवाले से थोड़ी महंगी पड़ेगी। मेरे बेटे को ये पाउच पसंद आ गया था तो ये इनको दिला दिया, और ये इसकी क्वालिटी अच्छी थी, अच्छा पाउच है 170 में। यहाँ पर मास्क रखे हुए थे, एक्सटेंशन रखे हुए थे, इनकी भी क्वालिटी अच्छी थी एक्सटेंशन की, और आई थिंक ये 170 में भी रीज़नेबल है। बच्चों की कैप्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई थी, क्रॉकरी थी, ग्लास, बाउल। अच्छा, मैं गई स्पेशली इन्हीं की खातिर थी, मगर ये आप यकीन करें $1 में 160 रुपीज़ में वन पीस, एटलीस्ट पेयर तो देते। मतलब मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एक बाउल आपको 160 रुपीज़ का पड़ेगा, अब तो 170 का पड़ेगा। एक ग्लास भी ये दो 170 रुपीज़ का दे रहे हैं, एटलीस्ट पेयर करके रख दें। लेकिन नहीं भाई, हर चीज़ महंगी थी। छोटी छोटी सी ट्रे थी जबकि पिक्चर्स में काफ़ी बड़ी लग रही थी। ये बाउल थे, इनकी क्वालिटी अच्छी थी बाउल की, और ऑल ओवर अच्छा था। यहाँ पर अगर आप ये कप मैंने लिए थे, मुझे ये कप अच्छे लग रहे थे, तो मैंने दो लिए हैं। ये 170 रुपीज़ का आपको पड़ेगा एक, और मैंने दो ले लिए थे, अच्छे लग रहे थे। ये फालूदा वगैरह जूस वगैरह आप बना सकते हैं। अच्छा, ये कप बड़े प्यारे थे, बेकिंग भी इनमें हो सकती थी, पर ये उसने बताया कि क्रैक हुए हैं, इसलिए ये नॉट फॉर सेल था। यहाँ पर जो है चाय के कप रखे हुए थे, पर मुझे जो अट्रैक्ट करा ना वो ये कहवा ग्लास, मुझे ये कप से चाहिए थे, और ये मैंने यहाँ पे ले लिया था एक सेट। ये 6 कप का सेट मैंने 170 रुपीज़ में लिया। ये पायरेक्स की डिश थी, और ये बहुत ही छोटी साइज़ की थी, पिक्चर में फिर भी बड़ी लग रही है। हम जिस दिन गए थे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना मुझे समझ में नहीं आया, मगर मैंने वहाँ पूछा था तो वो बता रहे थे कि आज स्टॉक ख़त्म हो चुका है। शायद आप लोग कभी विज़िट करें, यहाँ जाएँ तो आपको और भी अच्छी चीज़ मिले।
तो ज़रूर जाइएगा, ज़रूर विज़िट करिएगा। यहाँ पे बहुत ही लोकल टाइप के टॉयज़ रखे हुए थे, बस बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा मुझे लग रहा था यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। टॉयज़ से जब हम आगे एक रैक की तरफ मैंने देखा तो वहाँ पे बास्केट्स रखी हुई थी प्लास्टिक की, वो अच्छी क्वालिटी की थी। यहाँ पे वाटर बॉटल्स रखी हुई थी, अच्छा जो वाटर बॉटल 4 के सेट बनाए हुए थे ना वो बहुत लो क्वालिटी के थे, बहुत उनका मटेरियल ख़राब सा था। और जो 2 बॉटल्स थी ना वो पेयर अच्छा था, उनकी क्वालिटी अच्छी थी। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉलर्स रखे हुए थे, अच्छी क्वालिटी के भी थे, लेकिन कुछ स्ट्रॉलर जो है ना वो पतले कपड़े के थे, आई मीन कॉटन लॉन ऐसे कपड़े के नहीं थे, इस तरह का मटेरियल था उसका, जॉर्जेट टाइप जो मटेरियल होता है और स्क्वायर शेप के थे। ये यहाँ पे इन्होंने बास्केटें जो रखी हुई थी ना इनकी क्वालिटी अच्छी थी और आई थिंक ये रीज़नेबल भी हैं। साथ में यहाँ पे हैंगर्स थे और मुझे ब्लू कलर के हैंगर्स की बड़ी ज़रूरत थी, काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी तो मैंने ये ले लिए यहाँ से हैंगर्स, और क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। और 6 हैंगर्स हैं और $1 के हैं तो अच्छे हैं, नॉट बैड। रैक के इस साइड पर कुछ बच्चों के आइटम्स रखे हुए थे, फीडर्स थे, सॉक्स थे, न्यू बॉर्न बेबीज़ का कुछ सामान रखा हुआ था, सही क्वालिटी के भी थे यहाँ पे, कुछ चीज़ें अच्छी थी। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह रखे हुए थे जो कि आई थिंक 170 रुपीज़ में अच्छे हैं, नॉट बैड। और यहाँ पे ये कुछ इन्होंने एयर टाइट बॉक्सेस रखे हुए थे, एक सेट मैंने भी ले लिया था मगर उसके लिड बहुत लूज़ हैं, अच्छे नहीं निकले। तो चलें अब हम तो घर आ गए थे, अब मैं जो कुछ सामान लेकर आई थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी उस तो पर ही वो रखा हुआ है एयरटाइट बॉक्स, इसके लिड बंद नहीं होते हैं, लेकिन ये कि ये मुझे चाहिए था, ये 2 हिस्से बने हुए ना तो इसमें बंदा कुछ चीज़ें रख सकता है, तो उस लिहाज से थोड़े अच्छे हैं, लिड बंद नहीं होती है लेकिन वैसे ये ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है पाउच रोहान ने लिया था वो है, और मैंने बताया था आपको कि मैंने कहवा का सेट लिया है, ये 2 ग्लास लिए हैं, वो मैंने सब बस ले लिया था, कुछ अम्मी ने सामान लिया था मेरी, और बाकी हमने ये सारी शॉपिंग की। आई होप कि ये शॉपिंग आपको अच्छी लगेगी। अच्छा ये ग्लास का सेट मैंने मार्केट में एक शॉप से पता किया था तो वो 250 का दे रहे थे, और उसके अलावा अभी हमें सस्ता मिल गया यहाँ से, तो ये देखा जाए तो कुछ चीज़ें हमें अच्छी मिल सकती हैं। आई होप कि ये विज़िट आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।